मैं इस घर को आग लगा दूंगी लेकिन इसे बिकने नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो? अगर अब वो जिंदा होते तो तब तुम लोग क्या करते? उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। अरे बात तो सुनो मेरी। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, फिर पैसों का इंतजाम करो ताकि मैं हीरा आपी का शेयर वापस करूं, इस घर को बिकने से बचाऊं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये डिमांड थोड़ी सी अनरीजनेबल है? क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अभी इतने पैसे नहीं जोड़ पाऊंगी। तो ठीक है फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी अहमद। वो तो मैं भी यही कह रहा था कि अभी बिकेगा ना तो आने पौने दाम में बिकेगा, थोड़ा ठहर के फिर बेचना चाहिए। ये घर कभी नहीं बिकेगा अहमद। अरे तुम्हारी खामखा की जिद है, घर बिक जाएगा, जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने लिए अच्छा सा फ्लैट ले लो, उसमें रहो। और हीरा को भी तो पैसे वापस देने हैं ना। तुम क्या चाहती हो? तुम कर क्या रही हो? दो लोग घर देखने के लिए आए फिर भी तुम्हारी ये हरकतें नहीं खत्म हो रही, क्या कर रही हो तुम? मैं इस घर को आग लगा दूंगी लेकिन इसे बिकने नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो? अगर अब वो जिंदा होते तो तब तुम लोग क्या करते? ठीक है फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पुंगु तुम करना क्या चाह रही है? अहमद मैं इस घर पे पेट्रोल छिड़ककर इसको आग लगा दूंगी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, टीचर, माँ बाप, मैं और कुछ नहीं खो सकती। इस घर को बिकने नहीं दूंगी, समझे तुम तो?